नरसिंहगढ़ ब्लॉक के कई ग्रामों में गौवंश सहित पशुओं में लंपी वायरस फैल रहा है। अगर समय पर इनका उचित इलाज नहीं किया गया तो संक्रमण तेजी से फैलने की संभावना है। ऐसा ही एक मामला समीपस्थ ग्राम हिनौतिया में देखा गया। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे यहाँ पर 4-5 दिनों से ज्यादा गाय बीमार हो रही हैं और उनके उपचार के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं आता। अगर हम डॉक्टर को बुलाते हैं तो पैसा लेते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम हिनौतिया में पशु चिकित्सालय है जिसमें डॉक्टर भी पदस्थ हैं, मगर डॉक्टर स्वास्थ्य केंद्र पर समय पर नहीं आते। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर समय पर गाय को उचित इलाज नहीं मिला तो लंपी वायरस फैलने की संभावना है, इसलिए हमारे यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर को नियमित करने की कृपा करें। देखो ना कि वो टेढ़ा जगह, वो उसकी तबीयत करीबन 15 दिन से खराब हो रही है। उसके वो जो फोड़े फुंसी हो रहे हैं उसके पूरे शरीर में। अब यहाँ कोई डॉक्टर होता तो हम लोग ले आ जाते उसे वहाँ। तो आप क्या, तो उसका पशु चिकित्सालय इसके बाद पदस्थ थे डॉक्टर यहाँ पे परमानेंट का है। सब क्या कहते हैं कि यहाँ जो पहले थे वो डॉक्टर साहब मोहन सिंह जी मकवाना, उनको रिटायरमेंट होने के बाद कोई आया ही नहीं यहाँ पे। रिटायरमेंट हुए जब से जब अस्पताल नहीं खुल गई। कोई तो कहता है पदस्थ थे अच्छा तो ये नहीं। आप जैसे कभी किसी की मवेशी बीमार हो जाती होगी तो बुलाते हो? बोला वो सरकारी राज